8.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं मैं, और इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है जो कि काफी आसान है, फिर भी मैं इसको करा रहा हूं। यहां पे बोल रहा है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, ये रेशियो में दिए हुए हैं। इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप एंगल्स में इसको एक्स के साथ मान लीजिए, या रेशियो को ऐड करके वैसे निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं आपके इसके, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। ये मान ली हमने एंगल, अब लिखेंगे एंड वी नो दैट। इससे पहले भी हमने थ्योरम प्रूव की थी, वही थ्योरम लगाएंगे। क्या थ्योरम है? सभी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम कितना होता है? 360। तो देखो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। तो सबको ऐड कर लो, देखो 13 और 9 जोड़ देंगे तो 13 और 7 20 होते हैं, 22 और 5 38 होते हैं, तो 30 हो गए पूरे। 30x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 360 में हम 30 का डिवाइड दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 2 जाए 6, तो x इक्वल टू 12 डिग्री। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। नाउ देखो 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 3 जा 36 डिग्री। उसके बाद क्या है? 5x, तो 5 इंटू 12, एक्स की जगह 12 आ जाएगा, तो 12 5 जा, फिर 9x, 9 इंटू 12 9 जा 108, फिर उसके बाद 13x, तो 13 इंटू 12, तो वैसे इंटू कर लो 12 3 जा 36 की 6 3 कह रही है, 12 बन जा 12 और 3 15 156 डिग्री। तो यहाँ पूछा क्या था? ऑल एंगल्स, तो ये आ गए आपके ऑल एंगल्स, आंसर आ गए। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।